तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा पहने का चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारे पास हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल होने वाली है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर जो 2 है आपका, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, जो आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, वो आता है इस ग्राफ पर। तो यही आपकी एक्सरसाइज भी है 2.1। आपको यहां पर क्या गिवन रहेगा वो पहले देख लेते हैं। आपको गिवन रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन है और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कितने शून्यक हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात कर रहे थे शून्यक। देखिए, शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब होता है कि जीरो का मतलब है कि आपके पास जब कभी भी आप लोग ग्राफ बनाएंगे, वो कितनी बार x एक्सिस को, अगर यहां पर फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो x एक्सिस को कितनी बार कट रहा है, अगर फंक्शन ऑफ y लिखा होता तो आप देखेंगे y को कितनी बार कट कर रहा है। तो अभी फिलहाल आपकी जो बुक है उसमें दिया फंक्शन ऑफ x, तो हमने देखना है फर्स्ट पार्ट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर आपके पास दो एक्सिस है, एक ये जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं y एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल है जो लेफ्ट टू राइट जाता है, इसको बोलते हैं x एक्सिस। हर इक्वेशन में आपको ये दिया रहेगा जब कभी भी आपको ग्राफ पे सॉल्यूशन या जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। तो अब देखना है आपके पास जो फंक्शन था वो x का देखना है। तो इसका मतलब क्या, आपने देखना है कि x को ये कितनी बार कट कर रहा है। तो यहां पर देखेंगे x एक्सिस में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक भी बार कट नहीं कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस आया वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पे देखेंगे आपके पास ग्राफ बना हुआ है, तो अगेन हमने देखना है कि ये जो आपका ग्राफ बना है ये y x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो हम देखेंगे यहां पर ये एक बार कट रहा है, ओनली वन। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, 1। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, अब यहां पर फिर आपके पास एक्सिस आप लेफ्ट टू राइट, मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला है, तो यहां पर चेक करेंगे 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितने आ गए, यहां पर 3 आ गए। अब चलिए फोर्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ पार्ट पे देखेंगे फिर वही आपका, यहां पर 1 और 2, तो इस तरह यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 हो जाएंगे। फिर यहां देखते हैं, अब देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो कितनी बार इसने y एक्सिस को कट किया, 4 बार। तो इसलिए इसके आंसर कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, 4 हो गए। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो आपको x एक्सिस पर एक बार इसने कट किया और दूसरा कट किया, तो इसका मतलब इसके पास जो नंबर 2 और 3 आपके पास यहां पर आ गया। तो इसका मतलब 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जो जीरोस है वो आपके पास कितने हो गए, 3। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है, होप तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।